अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने चैनल मुख्तलिफ ज़ायके में। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, कटाकट मसाले के साथ हम एक रेसिपी भी बनाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बना रहे हैं कटाकट चिकन स्प्रिंग रोल। तो चले देखते हैं कटाकट चिकन स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। यहाँ हमने एक पैन ले लिया है, फ्लेम हम चालू कर लेंगे, और एक बड़ा चम्मच इसमें हमने अमूल बटर डाल के रखा हुआ है। बटर डाल देंगे हम पैन में, और यहाँ पर हम थोड़ा सा ही यानी एक चाय का चम्मच जितना ऑयल भी डाल देंगे। अब इसको मेल्ट होने देंगे, और मेल्ट होने के बाद फिर आपको दिखाते हैं इसके मसाले। बटर ने यहाँ मेल्ट होना शुरू कर दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे एक बड़े साइज की प्याज। ये हम आधा किलो चिकन के कीमे का बना रहे हैं, तो हमने एक बड़ी प्याज ले ली है, और अगर मीडियम साइज़ की आप लेना चाहें तो दो प्याज मीडियम साइज़ की आप ले लें, और इस तरह से इसको चॉपर में चॉप कर लें। बहुत फाइन फाइन आपने चॉप कर लेना है। अब प्याज को हम ट्रांसपेरेंट होने देंगे। यहाँ पर हम भूल गए हैं जीरा डालना, तो आपने जब बटर और ऑयल मेल्ट हो जाए उसके बाद आपने इसमें हाफ टी स्पून जीरा डाल देना है। चले, अभी बिल्कुल टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, तो ज़ीरा अच्छे से रोस्ट हो जाएगा प्याज के साथ, मसला नहीं है। लेकिन आप जब ऑयल और बटर मेल्ट कर लें उसके बाद आप इसमें पहले ज़ीरा डालें, और उसके बाद शामिल करें इसमें प्याज या अदरक लहसुन का पेस्ट जैसा आप चाहें, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट भी अभी हम इसमें शामिल करने वाले हैं। आगे पीछे कर सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन थोड़ी सी रमज़ान है, भूल हो जाती है, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा सब। इंच प्याज और ये जो हमारा अदरक लहसुन है ये अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे आधा किलो चिकन का कीमा। कीमा डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। प्याज और अदरक लहसुन के बैटर में आपने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें कीमे में अच्छे से मिक्स हो गई हैं, यानी प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं एक चाय का चम्मच पीली मिर्च पाउडर। पीली मिर्च पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप डाल दें लाल मिर्च पाउडर, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर हमने तीन हरी मिर्च क्रश करके ली हुई हैं, वो तीन हरी मिर्च भी आप यहाँ पर शामिल कर दें। और शामिल करने के बाद इसको आप करें अच्छे से मिक्स, और साथ साथ अभी ही हम इसमें मिक्स कर देंगे कटाकट मसाला जो हमने बनाकर रखा है। चले, कटाकट मसाला डाल रहे हैं हम इसमें एक टेबल स्पून भर के, ताकि अच्छे से इसमें इसका फ्लेवर आ जाए। आधा किलो में एक बड़ा चम्मच काफ़ी रहता है। फ्लेम स्लो कर लें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, और इसने कीमे ने पानी छोड़ना भी शुरू कर दिया है। बस इसी पानी में ही ये कीमा गल जाएगा, आपने अलग से बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। बस इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करते रहें, क्योंकि ये कीमा आपस में जुड़ जाता है, तो थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करके इसको आपस से छुड़ा लें, और बस ये हमारा अभी थोड़ी देर में ही इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। तो ये देखें, ज़बरदस्त हमारा कीमा बनके रेडी हुआ है। इस कीमे को आप चाहें तो ब्रेड रोल में, स्प्रिंग रोल शीट्स में, जैसा कि हम आज बना रहे हैं, आप समोसा पट्टी में समोसे बना सकते हैं, जैसा चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, इसे हम 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं, और कवर करने के बाद स्लो फ्लेम पर इसको बस छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी की मैंने छोड़ना शुरू कर दिया है। मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगी, ये देखें इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। बस इसमें पानी की अब हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब तक हमारा कीमा पक रहा है, यहाँ पर हमने इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए आधा मुट्ठी हरा धनिया लिया है, और आधा मुट्ठी ही हमने ये सोया लिया है। ये देखें आप कितना बारीक बारीक सा होता है, ये देखें कितना ब्यूटीफुल होता है बारीक बारीक सा, और इसका जायका बहुत अच्छा होता है। और इस तरह के जब आप समोसे बनाएं तो उसमें सोया हरा धनिया के साथ ज़रूर शामिल करें, इससे आपके जो भी आप बना रहे हैं उसका जायका ज़बरदस्त हो जाएगा। तो चलें इसको हम बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। हरा धनिया और सोए को भी हमने अच्छे से चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर हम अमूल की प्रोसेस चीज़ ले रहे हैं, ये हम ले लेंगे 4 क्यूब्स,
और 4 क्यूब्स को लेकर इसको हम छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लेंगे। यहाँ कीमा काफी हद तक ड्राई होने लगा है। अब इस पॉइंट पे ही हम इसमें डाल देंगे जो हमने चीज क्यूब्स के कट किए हैं और इसको हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे इसके अंदर। इस वक्त आप फ्लेम थोड़ी सी मीडियम टू लो कर लें, गरम गरम में ही चीज अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएगी। चीज जैसे ही मेल्ट हो जाएगी उसके बाद हम इसमें हरा धनिया और सोया डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा सा इसे अलट पलट कर दें इस तरह से, यकीन जाने बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मसाला कटाकट कीमे में। तवे आइटम तो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे इसके, तवा आइटम जितने भी होंगे बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। आप इसको वेजिटेरियन आइटम में भी ट्राई करके देखिएगा क्योंकि मसाला बहुत बहुत ज़बरदस्त है। चलिए चीज़ ने भी मेल्ट होना शुरू कर दिया है। अब साथ साथ ही हम इसमें हरा धनिया और सोया मिक्स कर देते हैं। इसको भी आप अच्छे से इसमें मिक्स कर दें। बस अब इस कीमे को आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है ताकि पानी की जो भी नमी है बिल्कुल भी बरकरार ना रहे कीमे में। वैसे ये ड्राई नहीं होगा कीमा, बिल्कुल सॉफ्ट होगा क्योंकि इसमें चीज़ हमने काफ़ी सारी डाली है और चीज़ भी ऑप्शनल है लेकिन डालेंगे तो बच्चों को ज़बरदस्त पसंद आने वाला है। समोसे या जो भी चीज़ आप इससे बनाएंगे वो बच्चों को ज़बरदस्त पसंद आएगा। इस कीमे को बना के आप फ्रीज भी कर सकते हैं और जब चाहें इससे आप कुछ भी बना सकते हैं। तो चलें 2 से 3 मिनट हम इसको मज़ीद और पकाएंगे ताकि थोड़ी सी इसकी सॉफ्टनेस जो है वो थोड़ा ड्राई हो जाए और चीज़ भी थोड़ी मेल्ट होना बाकी है वो भी इसकी अच्छे से मेल्ट हो जाए। जब ये कीमा अच्छे से रेडी हो जाएगा तो फिर आप इसको किसी भी बाउल में या ऐसे ही फैन के नीचे इसको ठंडा कर लें और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसकी फिलिंग के लिए जो भी चीज़ आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको अभी हम 2-3 मिनट और इसको कुक कर लेते हैं। चिकन का कीमा हमारा बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से ठंडा हो चुका है और टेस्ट में बिल्कुल परफेक्ट है। मिर्च नमक बिल्कुल बैलेंस है इसमें, आप चाहें अपने हिसाब से मिर्च बढ़ा सकते हैं। तो चलें इसे साइड रख लेते हैं। स्प्रिंग रोल शीट्स जो मिलती हैं वो हमने आपको दिखाई स्विस की, उसको हमने पैकेट से निकाल के बाहर कपड़े में रख लिया है और जितनी पट्टियाँ यूज़ आएंगी जितनी शीट्स यूज़ आएंगी हम यूज़ करेंगे, बाकी वापस उसको एयरटाइट करके फ्रीज़र में रख देंगे। एक बार खोलने के बाद वैसे भी आपने इसको फ्रीज़र में ही रखना है। यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून मैदा ले ली है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के एक पतली सी स्लरी बना लेंगे ताकि इसको चिपकाने के लिए। एकदम लम्स फ्री आपने बना लेना है। चलें आप चिकन कटाकट स्प्रिंग रोल बनाना शुरू करते हैं। एक शीट आपने इस तरह से निकाल लेनी है और निकालने के बाद यहाँ पर अब हम चिकन का बैटर रखेंगे जो हमने ये चिकन का कीमा बनाया है यमी सा। तो 2 चम्मच जितना हम चिकन का कीमा रख देंगे। चलें इस तरह से हमने ये चिकन का कीमा रख दिया। अब आपने इसको इस तरह से टाइट से फोल्ड करना है, इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे इस तरह से और फिर इस तरह से इसको रोल करेंगे। अब ये अच्छे से रैप हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ब्रश से या चम्मच की मदद से आपने ये मैदा जो बनाई है इस तरह से ये इसको ब्रश के लगा देंगे, इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब ऐसे ही आपने इसको उठा के इधर इस तरह से फोल्ड कर देना है, ठीक है। अब जो ये बचा हुआ एनवलप जैसा बन जाता है बस इस पे भी आपने इस तरह से मैदा लगा लेनी है। और थोड़ा सा इसको इस तरह से करते हुए
थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस करते हुए आप इस तरह से इसको रैप कर दें। देखें इस तरह से ही सारे बना के हम आपको दिखाते हैं। कटाकट चिकन स्प्रिंग रोल बन के रेडी हो गए हैं। आधा किलो कीमे में आप देखें 20 रोल बन के आराम से रेडी हुए हैं और माशाल्लाह बिल्कुल मुनासिब साइज है। बहुत छोटा साइज भी इसका नहीं है। अगर आप इसे छोटा साइज बनाएंगे तो इससे ज्यादा भी बन सकते हैं, यानी क्वांटिटी आप कम रख सकते हैं। तो फिलहाल अभी इसे हम फ्रीज करते हैं, उसके बाद आपको इसको डीप फ्राई करके दिखाएंगे। तो इसको किस तरह से फ्रीज करना है वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी। यहाँ हमने एक पैन में ऑयल गर्म करने रख दिया है। ऑयल को हमने मीडियम हीट पर गर्म कर लिया है। तो चलें अब हमने जो चिकन कटाकट रोल बनाए थे उसको फ्राई कर लेते हैं। सारे रोल हमने फ्रीज कर दिए थे, अब हम इसको हम फ्राई करने जा रहे हैं। तो ऐसे ही आप फौरन फ्रीजर से निकालें और डायरेक्ट इसमें पैन में डाल दें। थोड़ा सा आवाज़ तो आती है लेकिन आइटम फ्रीज करना भी बनता है ना। तो चलें एक एक करके हम इसमें डाल देंगे और इनको सब साइड से हमने गोल्डन सा फ्राई करना है, जिस तरह से आप लोग समोसे या रोल फ्राई करते हैं बिल्कुल वैसा ही आपने फ्राई कर लेना है। एक बार पैन में जितने आए आप उतने डालें और ऑयल को थोड़ा सा इस तरह से इसके ऊपर डालते जाएं ताकि ये सब साइड से अच्छे से सिक जाएं। बस इसे आपने सुकून से मीडियम हीट पर ही फ्राई करना है ताकि गोल्डन सा सब साइड अच्छा सा कलर आ जाए। चिकन कटाकट रोल हमारे बिल्कुल फ्राई होके रेडी हो गए हैं। एक को हम कट करके देखते हैं, आपको दिखाते हैं कट करके। तो ये देखिए कितने फर्स्ट क्लास। तो लीजिए नाजीन ये यमी से चिकन कटाकट रोल बन के रेडी हैं। ये बहुत ही टेस्टी इसकी फिलिंग है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और इसको हमने सर्व किया है मिंट मेयोनीज से और मिंट लीव से इसको गार्निश किया है। तो नाजीन आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मुख्तलिफ जायके की आपको हरदम मिलती रहे। नेक्स्ट रेसिपी के साथ सीमा शेख आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। अल्लाह हाफिज।